चैनल एनी टाइम नर्सिंग। तो यहाँ पर जो है हम CHO के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉमन डिजीजेस, और उसके अंदर हम देख रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज है या उससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में। इससे रिलेटेड जो एनाटोमी है, जो बेसिक है, वो मैं ऑलरेडी अपने लास्ट वीडियो में बना चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से उसे चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस जो हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, क्योंकि यहाँ पर मैं CHO के एग्जाम तक बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेकर आऊंगी जो आपके एग्जाम को क्रैक करने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एपिस्टेक्सिस। ठीक है, एपिस्टेक्सिस की मोस्ट कॉमन साइट क्या होती है? तो देखिए, साइट से पहले हम देखते हैं एपिस्टेक्सिस क्या होता है। एपिस्टेक्सिस होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ठीक है, ये क्या होता है? ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, नोज ब्लीड जो होता है उसको बोलते हैं एपिस्टेक्सिस। ठीक है, उसका पूछा है कि मोस्ट कॉमन साइट कौन सा है। ऑप्शन है टिप ऑफ द नोज, सेकंड है रूफ ऑफ द नोज, सी है फ्लोर ऑफ द नोज और डी है साइनसेस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्लीडिंग तो है नोज से, तो डी वाला तो कैंसल ही हो गया। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट होती है ए, टिप ऑफ द नोज। ठीक है, और जो टिप ऑफ द नोज होता है उसके अंदर एक एरिया प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लिटिल एरिया। ठीक है, कौन सा बोलते हैं? लिटिल एरिया। इसकी जो इंजरी होती है उसकी वजह से क्या होता है? एपिस्टेक्सिस की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोजिशन इज गिवन इन द एपिस्टेक्सिस। ठीक है, जब एपिस्टेक्सिस की पोजिशन प्रॉब्लम हुई है, मतलब पेशेंट को नोज ब्लीड हो रहा है, तो कौन सी पोजीशन देंगे? ऑप्शन दे रखा है हेड बैकवर्ड, कि हेड को पीछे की तरफ ले लेंगे। सेकंड ऑप्शन है सिटिंग अपराइट पोजीशन विद हेड फॉरवर्ड और नेक टिल्टेड। ठीक है, इसका मतलब है कि पेशेंट बैठा हुआ है और उसका हेड जो है वो आगे की तरफ झुका हुआ है। ठीक है, ऑप्शन सी है लाइंग डाउन विद द हेड फॉरवर्ड। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है कि पेशेंट को लेटा दिया है और उसका हेड भी पीछे की तरफ ही है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन है सिटिंग अपराइट विद द हेड बैकवर्ड। ठीक है, ये है कि पेशेंट को बिठा दिया है और हेड जो है उसका पीछे की तरफ कर दिया है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिटिंग अपराइट पोजीशन विद द हेड फॉरवर्ड। ठीक है, कि पेशेंट को बिठाकर उसका सर जो है वो आगे की तरफ कर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं नेक को आगे की तरफ टिल्ट कर देंगे। ये पोजीशन दी जाती है एपिस्टेक्सिस के अंदर। ठीक है, अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एपिस्टेक्सिस की पोजीशन की, तो कुछ हम एपिस्टेक्सिस से जो ट्रीटमेंट वगैरह होता है, जो बेसिक ट्रीटमेंट होता है, उसके बारे में बात करते हैं। अगर एपिस्टेक्सिस की पोजीशन होती है तो नोज पिंच भी करते हैं, नोज पिंच करते हैं। ठीक है, नोज पिंच का मतलब होता है कि जो नाक होता है उसको थोड़ा सा दबा देते हैं, और कब तक के लिए? 5 मिनट के लिए। ठीक है, उससे भी क्या होता है कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या हो जाती है, एक बार स्टॉप हो जाती है। ठीक है, और वहां पर क्या किया जा सकता है? आइस एप्लीकेशन। ठीक है, आइस एप्लीकेशन भी कर सकते हैं, और आइस एप्लीकेशन कितने टाइम के लिए करना है? फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स के लिए हम आइस एप्लीकेशन कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एपिस्टेक्सिस की पोजीशन जो कंडीशन होती है, पेशेंट की कंडीशन बहुत ज्यादा हो जाती है कि काफी कुछ करने के बाद में भी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होती है, तो उस पोजीशन के अंदर या उस कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं? पेशेंट के लिए नेजल पैकिंग करते हैं। ठीक है, क्या करेंगे? नेजल पैकिंग करेंगे, और वो नेजल पैकिंग कितने टाइम के लिए रहने देंगे हम? 72 आवर्स के लिए। ठीक है, 72 आवर्स के लिए नेजल पैकिंग करेंगे, ये सबसे लास्ट ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ लेरिंगोट्रेकिया ब्रोंकाइटिस। ठीक है, एक डिजीज है जिसका नाम है लेरिंगोट्रेकिया ब्रोंकाइटिस, उसका अदर नाम क्या है? ऑप्शन है ए COPD, बी लेरिंजाइटिस, सी हैंसन डिजीज, डी क्रुप। ठीक है, तो जो क्रुप है उसी को बोला जाता है लेरिंगोट्रेकिया ब्रोंकाइटिस। ठीक है, और ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि क्रुप के अंदर किसका इन्फ्लामेशन हो जाता है? लेरिंग्स, ट्रेकिया और ब्रोंकियस और ब्रोंकस, इन तीनों का क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है।
इनका इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं क्रुप की कंडीशन। ठीक है, अब ये जो क्रुप है ये वायरल भी हो सकता है, या मतलब या वायरस से भी हो सकता है, बैक्टीरिया से भी हो सकता है। ठीक है, और मोस्टली ये एक पीडियाट्रिक डिजीज होती है। ठीक है, बच्चों के अंदर जो है इसको होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कैसी डिजीज होती है? पीडियाट्रिक डिजीज होती है। अगर हम बात करें इसकी क्लिनिकल फीचर्स की कि इसके अंदर पेशेंट को या बच्चे को क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तो इसके अंदर अलग अलग सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि फीवर, चिल्स, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, डिस्निया, एनोरेक्सिया, ये सारी कंडीशंस उसके अंदर हो सकती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पैरेन्काइमा? ठीक है, लंग पैरेन्काइमा के इन्फ्लामेशन को क्या बोला जाता है? ऑप्शन है ऑप्शन ए अस्थमा, बी एम्फाइसीमा, सी निमोनिया, डी एटेलेक्टेसिस। ठीक है, तो लंग्स पेरेन्काइमा का जो इन्फ्लामेशन रहता है उसको बोला जाता है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया इज नोन एज द इन्फ्लामेशन ऑफ लंग पेरेन्काइमा। अच्छा देखिए, अगर निमोनिया की बात कर रहे हैं हम, तो नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली जो निमोनिया होता है वो चार टाइप का होता है। ठीक है, फर्स्ट होता है कम्युनिटी एक्वायर्ड, होता है कौन सा? कम्युनिटी एक्वायर्ड होता है। सेकेंड होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, हॉस्पिटल एक्वायर्ड। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। थर्ड टाइप का होता है एस्पिरेटेड निमोनिया, थर्ड होता है एस्पिरेटेड निमोनिया। और लास्ट होता है निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। ठीक है, निमोनिया इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट मतलब वो पेशेंट जिनका इम्यून जो है ऑलरेडी क्या है, कॉम्प्रोमाइज्ड है। जैसे कि एचआईवी कंडीशन हो गई, उनके अंदर क्या होता है, इम्यून जो होता है बहुत लो होता है। या फिर अगर किसी का कोई ट्रांसप्लांटेशन हुआ, जैसे कि रीनल ट्रांसप्लांटेशन, उसके अंदर भी क्या होता है, पेशेंट्स का इम्यून क्या होता है, कॉम्प्रोमाइज्ड होता है। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स। अगर हम देखें कि कम्युनिटी एक्वायर्ड जो निमोनिया होता है उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया। ठीक है, उसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकाई निमोनिया, ये इसका मोस्ट कॉमन कॉज होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ई कोलाई से होगा। ठीक है, एस्पिरेटेड निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज होता है माइकोप्लाज्मा, और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट जो होते हैं उनके अंदर वो किससे होता है, पैरासाइट निमोसिस्टिक जीरोवेसी, ये पैरासाइट से होता है। और पैरासाइट कौन सा होता है, न्यूमोसिस्टिक जीरोवेसी। ठीक है, जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड होता है उसको एक और नाम दिया गया है, उसको हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। ठीक है, उसको बोला जाता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं, या फिर नोजोकोमियल निमोनिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नोजोकोमल निमोनिया अकर आफ्टर हाउ मेनी आवर्स ऑफ हॉस्पिटल स्टे? ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हॉस्पिटल स्टे के बाद में नोजोकोमल निमोनिया जो है कितने आवर्स बाद होता है। ठीक है, तो नोजोकोमल निमोनिया ये तो पता है आफ्टर हॉस्पिटल स्टे होता है। ऑप्शन दे रखे हैं ऑप्शन ए 12 आवर्स, बी 24 आवर्स, सी 48 आवर्स और डी है 72 आवर्स। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी। ठीक है, नोजोकोमल निमोनिया जो होता है वो पेशेंट के हॉस्पिटल स्टे के आफ्टर 48 आवर्स होता है। ठीक है, और इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है। ठीक है, वो होता है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई। और हमने अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर देखा था कि मोस्ट कॉमन कॉज उसका क्या होता है, ई कोलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कलर ऑफ स्पूटम इज सीन इन द निमोनिया? ठीक है, निमोनिया के अंदर कौन से कलर का स्पूटम देखा जाता है? ऑप्शन ए है ग्रे वाइट कलर, बी है क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, सी है रस्टी कलर, डी है रेड कलर। ठीक है, तो देखिए जो निमोनिया होता है उसके अंदर
ये चीज तो क्लियर हो गई कि स्पूटम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कौन से कलर का होता है? ऑप्शन ए, ग्रे वाइट कलर का स्पूटम क्या होता है, उसके अंदर प्रेजेंट होता है। अगर देखिए यहाँ पे हम स्पूटम की बात करें तो हम निमोनिया के कुछ सिम्टम्स की बात करते हैं। निमोनिया के अंदर प्लूरेटिक चेस्ट पेन होता है, ठीक है। क्या होता है? चेस्ट पेन होता है, और वो कैसा होता है? शार्प होता है, ठीक है। शार्प का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा चेस्ट पेन होता है, बहुत तेज, मतलब पेशेंट को फील होता है, ठीक है। और इसके अंदर होगा हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। कौन सी कंडीशन होगी? हाई ग्रेड फीवर होगा। उसके साथ में पेशेंट को डिजनिया की कंडीशन भी होगी, डिजनिया। देन पेशेंट को क्या होगा? वीजिंग साउंड भी उसके अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। पेशेंट के अंदर वीजिंग साउंड भी हो सकता है। देन कफ प्रेजेंट होगा, ठीक है। क्या होगा? कफ भी प्रेजेंट होगा और क्रैकलिंग साउंड प्रेजेंट होगा, क्रैकलिंग साउंड प्रेजेंट होगा। और उसके साथ साथ में स्पूटम प्रेजेंट होगा, कैसा? ग्रे व्हाइट कलर का स्पूटम होगा, ग्रे व्हाइट स्पूटम प्रेजेंट होगा। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं किसके? निमोनिया के अंदर क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर इज, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी का नॉर्मल प्रेशर देख पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए 10 to 15 mm Hg, बी है 15 to 20 mm Hg, सी है 20 to 25 mm Hg, और डी है 25 to 30 mm Hg। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे 15 to 20 mm Hg, ठीक है। ध्यान रखना, दो नॉर्मल पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर जो है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, ये जो होता है, अगर हम एट रेस्ट बात करें, ठीक है ना, अगर एग्जैक्ट बात करें, एट रेस्ट पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कितना होगा? 14 mm Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पेशेंट विद द निमोनिया, ठीक है। निमोनिया का एक पेशेंट है, उसके अंदर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? ऑप्शन है टू इंक्रीज द फ्लूड इनटेक टू थीन डाउन द सिक्रीशंस, ठीक है, कि पेशेंट का जो फ्लूड इनटेक है उसको इंक्रीज कर दे, ताकि जो सिक्रीशंस है वो कैसे हो जाए? थीन हो जाए। सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड द एडिक्वेट रेस्ट, उसको एडिक्वेट रेस्ट प्रोवाइड करें। सी है टू प्रोवाइड द डिजीज नॉलेज, कि उसको डिजीज के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करें। और डी है टू प्रोवाइड द साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए, ठीक है। हमेशा क्या होता है, जो निमोनिया होता है उसके अंदर क्या होता है कि लंग्स के अंदर पैच वगैरह बनने लग जाते हैं, ठीक है, पैचेस बन जाते हैं, और वो क्या क्या होता है, वो थिक सिक्रीशंस होते हैं, वो होते हैं थिक सिक्रीशंस, ठीक है। इसीलिए इनके अंदर जो होता है फ्लूड इनटेक जो होता है इन पेशेंट्स के अंदर, मींस निमोनिया के पेशेंट्स के अंदर जो फ्लूड इनटेक होता है उसको क्या कर दिया जाता है? इंक्रीज कर दिया जाता है, ताकि जो थिक सिक्रेशंस है वो क्या हो जाए? थिन हो जाए। अगर मतलब ऐसा है कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है तो उसके अंदर हम ये चीज नहीं करेंगे, बट अगर पेशेंट को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड नहीं है तो हम उसका फ्लूड इनटेक जो है वो इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ साउंड इज हर्ड इन अ पेशेंट विद द प्लूरल इफ्यूशन, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को प्लूरल इफ्यूशन है तो उसके अंदर कौन से टाइप की साउंड सुनी जाएगी, ठीक है, मतलब उसके लंग्स के अंदर से कैसे साउंड आएगी? ऑप्शन है ऑप्शन ए वीजिंग साउंड, ऑप्शन बी है क्रैकल साउंड, ऑप्शन सी है फ्लैट डल साउंड, ऑप्शन डी है नो साउंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कि प्लूरल इफ्यूशन के पेशेंट के अंदर जो साउंड होता है वो होता है फ्लैट डल साउंड। और ये जो फ्लैट डल साउंड होता है ये कब सुनाई देता है? परकशन के टाइम पे, ठीक है। जब वहां पे परकशन करते हैं तो क्या होता है? फ्लैट डल साउंड सुनाई देता है, ठीक है। अच्छा, प्लूरल इफ्यूशन क्या होता है? प्लूरल इफ्यूशन क्या होता है? फ्लूड का एक्यूमुलेशन हो जाता है प्लूरल कैविटी के अंदर, और उसकी वजह से रेस्पिरेटरी डिफिकल्टीज जो होती है वो होना स्टार्ट हो जाती है। मींस क्या होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूड, प्लूरल इफ्यूजन क्या होता है? एक्यूमुलेशन
ऑफ प्लूरल या एक्यूमुलेशन इन द प्लूरल कैविटी, ठीक है, एक्यूमुलेशन इन द प्लूरल कैविटी जो क्या करेगा, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी कॉज करेगा, उसको बोलते हैं हम प्लूरल इफ्यूशन। अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लूरल इफ्यूशन के क्लिनिकल फीचर्स की, कि पेशेंट के अंदर क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे, तो पेशेंट के अंदर एक होता है ड्राई कफ की कंडीशन होगी, ठीक है, मतलब प्लूरल से रिलेटेड है तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी तो होगी होगी। देन उसके बाद में उसको एसओबी होगा, मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टेकिपनिया टेकिकार्डिया दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है, टेकिपनिया टेकिकार्डिया टेकिकार्डिया, परकशन के टाइम पे फ्लैट डल साउंड सुनाई दे सकता है, फ्लैट डल साउंड सुनाई दे सकता है। देन उसके बाद में प्लूरल एजिया, प्लूरल जिया, प्लूरल जिया जो होता है ना, ये क्या होता है, ये होता है पेन इन द प्लूरा, ये होता है पेन इन द प्लूरा, मतलब प्लूरा जो होता है वहां पर पेशेंट को क्या होने लगेगा, पेन होगा। और वो पेन कब होगा, जब पेशेंट इंस्पायर करेगा, जैसे जैसे पेशेंट का इंस्पिरेशन होगा उसका पेन भी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्लूइड इज रिमूव्ड आउट एट वन टाइम इन द प्रोसीजर ऑफ थोराकोसेंटेसिस, ठीक है, थोरासेंटेसिस का प्रोसीजर किया जा रहा है और उस टाइम पे, उस एक टाइम पे कितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है उसको बाहर निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो थोरासेंटेसिस जो है ये क्या होता है, इसको प्लूरल टैपिंग बोलते हैं, इसको बोला जाता है प्लूरल टैपिंग, मीन्स जो प्लूरल कैविटी के अंदर एक्सेस फ्लूड हो गया है उसका रिमूवल हो, उसकी रिमूवल को हम बोलते हैं थोरासेंटेसिस, या इसको हम बोल सकते हैं थोरेक्स पंचर, इसको थोरेक्स पंक्चर भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या दे रखे हैं, ऑप्शन ए है 500 to 1000 ml, बी है 1000 to 1200 ml, सी है 1200 to 2000 ml और डी है 2000 to 2500 ml। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, कि एक बार के अंदर 1000 से 1200 ml जो है वो फ्लूड जो है रिमूव आउट किया जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ थोरासेंटेसिस की बात कर रहे हैं, तो इस प्रोसीजर के टाइम पे पेशेंट को पोजीशन कैसे दी जाती है, सिटिंग अपराइट, ठीक है, सिटिंग अपराइट मतलब पेशेंट बैठा होता है बट उसके हाथ जो होते हैं, पेशेंट सिटिंग अपराइट विथ रेस्ड हैंड, मतलब हाथ ऊपर की तरफ होते हैं, कार्डियक पोजीशन वगैरह जो होती है ना उस तरह की पोजीशन होती है जो थोरासेंटेसिस के अंदर प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थोरासेंटेसिस वॉज परफॉर्म्ड ऑन एन एडल्ट क्लाइंट, आफ्टर द प्रोसीजर द क्लाइंट हैज हिमोप्टिसिस, पल्स ऑफ 80, रेस्पिरेशन ऑफ 21 एंड टेम्परेचर ऑफ 99 डिग्री, अमंग ऑल विच सिम्टम इज ऑफ कंसर्न, ठीक है। एक पेशेंट है जिसका थोरासेंटेसिस प्रोसीजर हुआ है और प्रोसीजर के बाद में पेशेंट को क्या क्या हो रहा है, उसको हो रहा है हिमोप्टिसिस, उसका पल्स 80 हो गया है, रेस्पिरेशन 21 हो गया और टेम्परेचर 99 डिग्री है, तो इनके अंदर से कौन सा ऐसा सिम्टम है जिसको ध्यान रखना है, मीन्स कंसर्न के लिए है। ऑप्शन ए है हिमोप्टिसिस, बी है पल्स ऑफ 80, सी है रेस्पिरेशन ऑफ 21 और डी है टेम्परेचर ऑफ 99। तो हमें क्या, कौन सा कंसर्न होगा, ऑप्शन ए हिमोप्टिसिस जो होगा ना वो हमारा मेजर कंसर्न होगा उस टाइम पे। और ऐसा क्यों है कि हम सिर्फ हिमोप्टिसिस कंसर्न का होगा, क्योंकि प्रोसीजर के बाद में पल्स जो इंक्रीज हो रही है और रेस्पिरेशन जो इंक्रीज हो रहा है ये नॉर्मल फाइंडिंग होती है आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है, प्रोसीजर के बाद में ये जो फाइंडिंग है ये क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, और जो ये टेम्परेचर है ये भी क्या है, नॉर्मल फाइंडिंग है, बट हिमोप्टिसिस ऐसी कंडीशन है जो अबनॉर्मल फाइंडिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द अस्थमा, ठीक है, कि अस्थमा की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होगी। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ऑप्शन बी है वीजिंग एंड ड्राई कफ, ऑप्शन सी है फीवर, ऑप्शन डी है स्नीजिंग, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, वीजिंग और ड्राई कफ जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है अस्थमा का।
अगर हम यहाँ पर अस्थमा की बात करें तो अस्थमा क्या होता है? अस्थमा जो है रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म होता है, ठीक है? अस्थमा क्या होता है? रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन होती है। रिवर्सिबल ब्रोंकोस्पाज्म मींस ये जो होता है रिवर्स हो सकता है, ठीक है? और ये क्या होता है, इसके अंदर हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होता है ब्रोंकस का एलर्जन की वजह से, ठीक है? अस्थमा जो होता है उसमें क्या होता है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस होता है, हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, और वो किसका होगा? ब्रोंकस का होगा, और किसके लिए होगा? एलर्जन के लिए। ब्रोंकस का होगा और किसके लिए होगा? एलर्जन के लिए। क्या होगा? हाइपर रेस्पॉन्सिव हो जाएंगे हमारे ब्रोंकस या पेशेंट के ब्रोंकस। अगर हम क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि अस्थमा के अंदर कौन कौन से क्लिनिकल फीचर्स प्रेजेंट होते हैं या क्या क्या सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक तो देखा कि क्या है। एक तो है वीजिंग। वीजिंग का मतलब क्या होता है कि पेशेंट जैसे ब्रीथ करता है ना, तो सीटी की जैसी आवाज आती है ना, उस तरह से पेशेंट की ब्रीथ का साउंड आता है, ठीक है? वीजिंग और ड्राई कफ, ये दोनों चीजें इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। उसके साथ साथ में पेशेंट को होता है डिजनिया, ठीक है? पेशेंट के अंदर डिजनिया की कंडीशन होगी, और पेशेंट को एसओबी होगा, मींस शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोल सकते हैं। डायफोरेसिस हो सकता है, डायफोरेसिस की कंडीशन हो सकती है। उसके साथ में पेशेंट को रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन होगी, उसके अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की कंडीशन भी प्रेजेंट होती है। अगर हम एक छोटी सी चीज देखें कि कुछ चीजें होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जो अस्थमा के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, अस्थमा में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। एक होता है एस्पिरिन। अगर कोई अस्थमेटिक पेशेंट है तो उसके अंदर एस्पिरिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, साथ में ही बीटा ब्लॉकर जो होती है वो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, ठीक है? और उसके साथ में सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि ऑरेंज वगैरह हो गया, वो भी क्या होता है इसके अंदर अवॉइड किया जाता है। कोल्ड फ्लूड्स जो होती, ठंडी चीजें जो होती है, वो भी पेशेंट के अंदर अवॉइड किया जाता है, ठीक है? तो अस्थमा के अंदर चार चीजें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं, ध्यान ऐसे रखना है। ABC, ए फॉर एस्पिरिन, बी फॉर बीटा ब्लॉकर एंड सी फॉर सिट्रस फ्रूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इमरजेंसी ट्रीटमेंट फॉर द अक्यूट अस्थमेटिक अटैक, ठीक है? अगर किसी पेशेंट को अक्यूट अस्थमेटिक अटैक है तो उसमें इमरजेंसी ट्रीटमेंट हम क्या देंगे? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए एड्रिनलिन 1:1000 रेशियो, ऑप्शन बी है एड्रिनलिन 1:1000 रेशियो, ऑप्शन सी है एड्रिनलिन 1:10000 रेशियो, और डी है नो ट्रीटमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा बी, कि अगर कोई पेशेंट को अक्यूट अस्थमेटिक अटैक हुआ है तो उसके अंदर हम एड्रिनलिन 1:1000 की रेशियो में जो होता है वो देते हैं। और ऐसा क्या होता है कि एड्रिनलिन दिया जाता है, क्योंकि जो एक्यूट अस्थमेटिक अटैक होता है उसके अंदर सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन होती है, उसमें सीवियर ब्रोंकोस्पाज्म की कंडीशन होती है, ठीक है? तो ये जो एड्रिनलिन होता है, जो ADR हम बोल रहे हैं 1:1000 की रेशियो में, ये जो ADR होता है ये क्या करता है, जो ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स होती हैं उनको क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। ये क्या कर देता है, इट इट रिलैक्स, ये क्या कर देता है, रिलैक्स द स्मूथ ब्रोंकियल मसल्स, ठीक है? जो ब्रोंकियल मसल्स है उनको स्मूथ कर, उनको रिलैक्स कर देता है। इट रिलैक्स द स्मूथ ब्रोंकियल मसल्स, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंडीशन ऑफ ब्लू ब्लॉटर्स एंड पिंक पफर इज सीन इन विच डिजीज कंडीशन, ठीक है? एक कंडीशन होती है जिसके अंदर कैसा क्या होता है, ब्लू ब्लॉटर और पिंक पफर, ये किसके अंदर, कौन सी डिजीज के अंदर देखा जाता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए COPD, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी एटेलेक्टेसिस, ऑप्शन डी प्लूरल इफ्यूजन।
ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। सीओपीडी की जो कंडीशन होती है उसके अंदर ब्लू ब्लॉटर्स और पिंक पफर की कंडीशन को देखा जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है, जो अस्थमा होता है उसके अंदर दो डिजीज इंक्लूड होती है, एक होता है एम्फाइसीमा और एक होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ठीक है, अस्थमा में एक होता है एम्फाइसीमा और एक होता है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, इन दोनों डिजीज को सीओपीडी के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो जो पिंक पफर की कंडीशन होती है वो देखी जाती है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा के अंदर होती है पिंक पफर की कंडीशन और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर होती है ब्लू ब्लॉटर्स। ठीक है, पिंक पफर का मतलब क्या होता है कि पेशेंट कैसा हो जाता है, उसका अपीयरेंस पिंक हो जाता है, पिंक अपीयरेंस हो जाता है पेशेंट का। ठीक है, और ब्लू ब्लॉटर का मतलब क्या होता है कि पेशेंट का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 60 ईयर ओल्ड क्लाइंट विथ एम्फाइसीमा एंड एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज एडमिटेड, ऑक्सीजन इज ऑर्डर्ड एट 2 लीटर पर मिनट, द रीजन फॉर लो फ्लो ऑक्सीजन इज। ठीक है, एक 60 ईयर ओल्ड क्लाइंट है जिसको एम्फाइसीमा हो रखा है और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है और उसको एडमिट किया गया है, उसको ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करा जा रहा है 2 लीटर पर मिनट पे, तो उसका रीजन क्या है कि उसको लो फ्लो ऑक्सीजन दी जा रही है। ऑप्शन है ऑप्शन ए कंपनसेट फॉर द एयरवे रेजिस्टेंस, बी है टू प्रिवेंट डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ड्राइव, सी है फैसिलिटेट ऑक्सीजन डिफ्यूजन, डी है प्रिवेंट एक्सेसिव ड्राइंग ऑफ द सिक्रीशन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, टू प्रिवेंट द डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी ड्राइव। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो सीओपीडी के पेशेंट होते हैं उनके अंदर हमेशा लो फ्लो ऑक्सीजन दी जाती है, लो फ्लो ऑक्सीजन। ठीक है, और वो कितना होता है, नॉट मोर देन 1 to 2 लीटर। कितना होता है, नॉट मोर देन 1 to 2 लीटर्स, मतलब 1-2 लीटर जो है पर मिनट, उससे ज्यादा हमें पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं देने, क्योंकि पेशेंट के जो लंग्स है, जो ब्रोंकस है, वो ऑलरेडी स्पाज्म की कंडीशन हो रखी है, तो अगर हम उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन देंगे तो वो उसके साथ में कंपनसेट नहीं कर पाएगा और उसका जो रेस्पिरेटरी ड्राइव जो है उसका भी क्या होता जाएगा, डिप्रेशन होता जाएगा। इसीलिए उसी को प्रिवेंट करने के लिए लो फ्लो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रोवाइड करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू कलेक्ट द स्पूटम फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, स्पूटम कलेक्शन जो होता है उसका बेस्ट टाइम क्या होता है, ऑप्शन दे रखा है इन द मॉर्निंग राइट आफ्टर द पेशेंट अवेक, ऑप्शन बी है आफ्टर द ब्रेकफास्ट, ऑप्शन सी है 2 आवर्स आफ्टर द ईटिंग एंड ऑप्शन डी है शॉर्टली बिफोर द पेशेंट रिटायर्स इन इवनिंग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, स्पूटम कलेक्शन जो होता है वो हमेशा अर्ली मॉर्निंग के अंदर लिया जाता है, मींस पेशेंट जैसे ही उठा है वो उस टाइम पे लिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो स्पूटम होता है वो अर्ली मॉर्निंग में ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। ठीक है, स्पूटम जो होता है वो क्या होता है, अर्ली मॉर्निंग के अंदर मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है, अर्ली मॉर्निंग में मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म के अंदर होता है, इसीलिए अर्ली मॉर्निंग स्पूटम कलेक्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ मॉन्टेक्स टेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मॉन्टेक्स टेस्ट की इफेक्टिवनेस देखने के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है, मींस मॉन्टेक टेस्ट जो हम कर रहे हैं उसके कितने टाइम बाद उसको चेक करा जाता है कि पेशेंट का रिजल्ट क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं ए आफ्टर 12 आवर्स, बी आफ्टर 24 आवर्स, सी आफ्टर 42 आवर्स और डी आफ्टर 72 आवर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी आफ्टर 72 आवर्स। ठीक है, ये जो होता है बेस्ट टाइम होता है मोन्टेक्स टेस्ट को, एफिशिएंसी जो है उसकी इफेक्टिवनेस उसको चेक करने का। ठीक है, तो मोन्टेक्स टेस्ट जो होता है ना वो कौन सी डिजीज के लिए किया जाता है, वो करा जाता है टीबी के लिए। ठीक है, और मोन्टेक्स टेस्ट के अंदर क्या करते हैं हम, इंट्राडर्मल जो होता है उसमें क्या कराता है, इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, और
उसके बाद में क्या होता है, पेशेंट के अंदर इरिदमा और ग्रेनुलेशन जो होता है उसको चेक करा जाता है, ठीक है। इंट्राडर्मल हम इंजेक्ट करने के बाद में बैसिलाई जो होते हैं उनको इंजेक्ट किया जाता है, और उसके बाद में उसके अंदर ग्रेनुलेशन, इरिदमा, इरिदमा या इंड्यूरेशन, इसको चेक करा जाता है, ठीक है। मींस पेशेंट के अंदर इंजेक्ट करके उसको बोला जाता है कि उसको 72 आवर्स के बाद में वापस आना है, ठीक है। तो अगर जो उसका इंड्यूरेशन, जैसे कि ये वाली साइड है, मान लो ये हैंड है, यहाँ पर इंजेक्ट करा है, तो उसके बाद में यहाँ पे मार्क कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो यहाँ पर हमने दिया है, अगर ये जो इरिदमा है यहाँ पे इसकी बात करें, हमने जो दिया है, तो अगर ये इरिदमा का जो हम बात करें डायमीटर की बात कर रहे हैं, अगर ये 5 to 9 mm है, कितना है, 5 to 9 mm है, तो हमारा टेस्ट कैसा है, डाउटफुल है, ठीक है। कैसा होगा, डाउटफुल है। अगर मोर देन 10 mm है, कितना है, मोर देन 10 mm अगर इंड्यूरेशन है, मीन्स जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलाई है, MTB, वो क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो दो चीजें देखते हैं, उसका अगर डायमीटर 5 to 9 mm है तो वो कैसा है, डाउटफुल है, और अगर मोर देन 10 mm है तो वो कैसा है, पॉजिटिव है, ठीक है। बट अगर पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ठीक है, पेशेंट कैसा है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट के अंदर करा जा रहा है, और उसके अंदर अगर इंड्यूरेशन मोर देन 5 mm है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव होता है MTB के लिए, मींस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्लाइंट लूजेस ड्यूरिंग द इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया। मतलब ये कि वो कौन सा फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, अगर पेशेंट को एनेस्थेशिया दिया है तो सबसे लास्ट में वो पेशेंट का खत्म होगा, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए मसल मूवमेंट, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ऑप्शन सी क्लोजर ऑफ द आईज, ऑप्शन डी मूवमेंट ऑफ द लिम्स। तो करेक्ट आंसर है रेस्पिरेटरी मूवमेंट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हमेशा जब भी पेशेंट को एनेस्थेशिया दिया जाता है तो सबसे पहले उसके मसल्स का मूवमेंट जो होता है वो स्टॉप होता है, और सबसे लास्ट के अंदर उसका रेस्पिरेटरी मूवमेंट स्टॉप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या है, लास्ट पूछा है ना, लास्ट फिजियोलॉजिकल फंक्शन, तो वो है रेस्पिरेटरी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिकेशंस आर विदहोल्ड बिफोर द पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है। जो PFT करा जाता है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, उसके लिए, उसको करने से पहले कौन सी मेडिकेशंस को विदहोल्ड किया जाता है। ऑप्शन से रखें, ऑप्शन ए बीटा ब्लॉकर्स, ऑप्शन बी ब्रोंको डायलेटर्स, ऑप्शन सी AC इनिबिटर, ऑप्शन डी डायूरेटिक्स। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी, ठीक है। हमेशा पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करने से पहले ब्रोंको डायलेटर्स जो होते हैं उनको विदोल्ड किया जाता है, ठीक है। और ये जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है ये कंफर्मेटरी होता है COPD के लिए, ठीक है, ये कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होता है फॉर द COPD। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बोन्स विच फॉर्म द रूफ ऑफ द नेजल कैविटी, ठीक है, आर एक्सेप्ट, मतलब वो कौन सी बोन्स है जो नेजल कैविटी की रूफ को फॉर्म करती है, एक्सेप्ट, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है स्फीनोइड बोन, ऑप्शन बी फ्रंटल बोन, ऑप्शन सी इथमोइड बोन, ऑप्शन डी मैक्सिला। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी मैक्सिला, ठीक है। मतलब पूछ क्या रहा है कि नेजल कैविटी का रूफ बनता किससे है, एक्सेप्ट, मतलब इसमें कौन सी बोन उसमें इंक्लूड नहीं होती है। तो जो नेजल कैविटी की रूफ है वो बनती है स्फीनोइड बोन, फ्रंटल बोन और इथमोइड बोन से, ठीक है। मैक्सिला बोन जो होती है उसके अंदर इंक्लूड नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉन्चे इन द नेजल कैविटी, ठीक है। जो कॉन्चे होते हैं नेजल कैविटी के अंदर उसका क्या फंक्शन होता है। ऑप्शन दे रखा है ए दे सिक्रेट म्यूकस, ऑप्शन बी दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ऑप्शन सी दे डिक्रीज द सरफेस एरिया, और ऑप्शन डी दे हैव नो फंक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये क्या करते हैं, जो सरफेस एरिया होते हैं उनको क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओपनिंग ऑफ ऑडिटरी ट्यूब इज फाउंड इन, ठीक है। ऑडिटरी ट्यूब जो होती है उसकी ओपनिंग जो होती है,
वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए नेजोफेरिंग्स, ऑप्शन बी ओरोफेरिंग्स, ऑप्शन सी लेरिंगोफेरिंग्स, ऑप्शन डी इसोफेगस। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए नेजोफेरिंग्स। ठीक है, नेजोफेरिंग्स से जो ऑडिटरी ट्यूब जो होती है उसकी ओपनिंग जो होती है स्टार्ट होती है, ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग होती है, ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज फाउंड इन द लेरिंग्स। ठीक है, वो कौन सा मोस्ट प्रोमिनेंट कार्टिलेज है जो लेरिंग्स के अंदर देखा जाता है? ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी क्रिकोइड, ऑप्शन सी एरिटेनॉइड, ऑप्शन डी एपिग्लोटिस। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए। ठीक है, लेरिंग्स के अंदर सबसे प्रोमिनेंट ऊपर की तरफ कौन सा कार्टिलेज होता है? थायराइड कार्टिलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन ड्यूरिंग द रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स कंट्रोलिंग द वोकल कॉर्ड्स इन द लैरिंग्स एक्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो मसल्स होती है, कौन सी मसल्स जो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं लैरिंग्स के अंदर उनको जो कंट्रोल करती है, अगर वो मसल्स रिलैक्स हो गई तो क्या होगा एक्सेप्ट। ठीक है, मींस वो मसल्स रिलैक्स हो गई तो क्या नहीं होगा, मतलब एक तरह से क्वेश्चन का मतलब ये है। ऑप्शन दे रखे, ऑप्शन ए वोकल कॉर्ड्स ओपन, ऑप्शन बी पिच ऑफ द साउंड इज लो, ऑप्शन सी वोकल कॉर्ड्स आर अबडक्टेड, ऑप्शन डी वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड आउट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि वोकल कॉर्ड्स की जो मसल्स होती हैं, वोकल कॉर्ड्स की जो मसल्स होती हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, वोकल कॉर्ड्स को ओपन करेंगी, उसका जो साउंड होगा पिच, हम जो हमारा साउंड होता है उसका जो पिच होता है उसको क्या कर देती है, लो कर देती है, प्लस ये क्या करती है, वोकल कॉर्ड्स को अबडक्ट कर देती है, मींस एक दूसरे से ये जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो दूर चले जाते हैं, और उस वजह से जब एयर अंदर जाएगी तो साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये फंक्शन किसका होता है, जो वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करने वाली मसल्स होती है। बट ऑप्शन डी जो है, वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड आउट, ये वोकल कॉर्ड्स को कंट्रोल करने वाली मसल्स का फंक्शन नहीं होता है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वोकल कॉर्ड्स बिगन टू ग्रो लॉन्गर देन पिच ऑफ द वॉइस विल बी। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो वोकल कॉर्ड्स है अगर उनकी जो ग्रोथ है वो लॉन्ग हो जाए, मीन्स जो उनकी ग्रोथ है उससे ज्यादा बड़े हो जाए, तो वॉइस की पिच कैसी हो जाएगी। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए लो, ऑप्शन बी हाई, ऑप्शन सी इट मे बी लो और हाई, और ऑप्शन डी नो वॉइस विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ठीक है, कि जो पिच होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, अगर वोकल कॉर्ड्स क्या हो गए, लॉन्ग हो गए, तो पिच जो होगी वॉइस की वो कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ वॉइस प्रोड्यूस्ड बाय अ मैन डिपेंड्स ऑन। ठीक है, कि किसी भी पर्सन की जो वॉइस प्रोड्यूस हो रही है उसका जो वॉल्यूम है वो किस पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन दे रखा है, ए लेंथ ऑफ द कॉर्ड्स, ऑप्शन बी टाइटनेस ऑफ द कॉर्ड्स, ऑप्शन सी फोर्स विथ विच कॉर्ड्स वाइब्रेट, ऑप्शन डी शेप ऑफ द माउथ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, कि जो कॉर्ड्स वाइब्रेट होंगे वो जितने फोर्स से वाइब्रेट होंगे उतनी ही वॉल्यूम से वॉइस क्या होगी, प्रोड्यूस होगी। ठीक है, मींस जितना वाइब्रेशन ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा जो वॉल्यूम होगा वॉइस का वो क्या होगा, बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स इन द ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग के अंदर कितने नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए 7 पेयर, ऑप्शन बी 10 पेयर, ऑप्शन सी 11 पेयर, ऑप्शन डी 12 पेयर। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, कि टोटल 11 पेयर ऑफ द इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बींग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन डी ऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक डी ऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है। ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए 40 mmHg एंड 100 mmHg, ऑप्शन बी 20 mmHg एंड 60 mmHg, ऑप्शन सी 60 mmHg एंड 100 mmHg, ऑप्शन डी 100 mmHg एंड 140 mm of Hg। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए,
40 mmHg एंड 100 mmHg मीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका PO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 40 mm of Hg, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसका PO2 जो होता है वो होता है 100 mm of Hg। तो हमारा आज का वीडियो यहीं पे एंड होता है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, और अगर आपको आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।